समुदाय के खिलाफ हो रहे जुल्म और धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने को लेकर लखीमपुर सहित पूरे प्रदेश में अहमीम प्रदर्शन कर रही है और इसी कड़ी में लखीमपुर की जिला इकाई ने स्थानीय नसीरुद्दीन मौजी मेमोरियल हॉल प्रांगण से निकलकर सड़कों पर प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। हजरात, त्रिपुरा में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जुल्म हो रहा है एक तरफा, वो नाकाबिल बर्दाश्त है। हम सुन्नी तंजीम ऐम मसाजिद ज़िला लखीमपुर खीरी इस बात की मजम्मत करते हैं और एक ख़ास बात यह है कि ये जुल्म और ज़्यादती त्रिपुरा ही से नहीं शुरू है बल्कि पूरे देश में इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं और हम लोग उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। हम सदर जमहूरी हिंद से ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर त्रिपुरा में अमन व शांति बहाल की जाए और सपाई और कांग्रेस और बसपाई लोग जो अभी लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कस्बे में कांड हुआ वो रात और दिन पैदल यात्रा करके वहाँ पहुँचे और त्रिपुरा में उससे भी ज़्यादा बदतर हालत है। इस तरह से बहुत सी जगहों पर इस तरह के हालात हुए हैं लेकिन त्रिपुरा में जो हो रहा है ये तिकुनिया कांड से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसे फौरी तौर पर बंद किया जाए और ये अजीम हिंदुस्तान के चेहरे पर बदनुमा दाग है। नवंबर 2021 को जो त्रिपुरा में हुआ है उसकी तरफ से आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में सभी 75 ज़िलों में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है जिसमें हमारी मांगे हैं कि जो वहाँ पे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अदर भगवा ब्रिगेड के जो गुंडे वहाँ पे उत्पात मचा रहे हैं, जो मुसलमानों के मस्जिदों को और उनके घरों को, उनकी तिजारत की जगहों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उसके लिए